नमस्ते दोस्तों, डीटीएस टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलजी के प्रोडक्ट में अगर से हमें सर्विस रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और उसके प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एलजी टेलीविजन, ऑडियो, वीडियो, मोबाइल और आईटी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा उसके होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एलजी बनाता है। वो देश का नंबर वन प्रोडक्ट माना जाता है और काफ़ी मात्रा में बेचा जाता है। दोस्तों, इंडिया के लोग उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ दिक्कत आती है सर्विस रिलेटेड, या फिर प्रोडक्ट में कुछ खराबी आती है तो कस्टमर केयर के ऊपर हम उसकी कंप्लेंट दर्ज करके उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए कंपनी ने कुछ कॉल सेंटर नंबर दिए हैं जो 24 आवर्स 7 डेज काम करते हैं। तो दोस्तों, एलजी का जो कॉल सेंटर नंबर है वो है 1800-315-9999। दोस्तों, इसके अलावा और एक नंबर एलजी ने दिया है, वो है 1800-180-9999। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर हम वहाँ से ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल सेंड करने के बाद वहाँ पर एक कंप्लेंट आपके अगेंस्ट रजिस्टर की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही आसान तरीके से एलजी का एक एप्लीकेशन भी दिया गया है, वहाँ से भी हम कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें सीधा जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और वहाँ से हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एलजी सर्विस इंडिया नाम से। दोस्तों, वो एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर हमें अपनी खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी और वहाँ से भी हम अपनी कंप्लेंट को बहुत ही आसान तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा हमें अगर से कुछ दिक्कत आती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस मिल सकती है। दोस्तों, उसके लिए जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर थरोली 1 साल का वारंटी फ्री रहता है। 1 साल में प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, प्लास्टिक पार्ट डैमेज के अलावा, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि कुछ रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर एयर कंडीशनर हो गया, उसका जो कंप्रेसर है उसकी एक्सटेंडेड वारंटी रहती है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर की वारंटी, कंप्रेसर की वारंटी 10 साल तक दी जाती है। 10 साल के अंदर कंप्रेसर अगर से ख़राब होता है तो कंप्रेसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर से वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर होती है उसकी भी वारंटी 10 साल से 12 साल की होती है। अगर से उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके मिलती है, सिर्फ हमें सर्विस चार्जेस देने होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो परचेस का बिल है उसे संभाल कर रखना होता है। जब भी कोई सर्विस कंप्लेंट डालते हैं तो हमें वो परचेस का बिल अगर से हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वो सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो दोस्तों, अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।